गाइस जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से क्लास लिस्ट को हम लोग गेट कर सकते हैं, किस तरह से क्लासेस जितनी भी एक एलिमेंट के अंदर लगी हुई हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्लास लिस्ट नाम का एक मेथड होता है और क्लास नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग डायरेक्टली सेट करके क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इन मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे, क्लास लिस्ट और क्लास नेम को बहुत क्लोजली अच्छे से समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग एक नई रैपल बनाएंगे और अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास नेम और क्लास लिस्ट को, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बिलीव मी बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक रैपल बनाऊंगा मैं और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास नेम और क्लास लिस्ट क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लास नेम क्लास लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट रैपल कर देता हूँ और मेरी रैपल बन चुकी है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लूँगा जैसे कि मैंने अभी तक बनाया था। और मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अभी हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे, अच्छा हम लोग कैपेबल हो जाएंगे बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाने के। आप टेंशन बिल्कुल मत लो यार कि इतना बेसिक क्यों हो रहा है, लेवल कब बढ़ेगी। यार लेवल ऐसी बढ़ेगी ना कि देखो, डिज़ाइनिंग का कोर्स तो है नहीं है, ठीक है, जो अच्छे डिज़ाइन देखने हैं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा स्पैन और हे आई एम गुड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, कुछ मान लो मैं सी एस एस स्टाइल्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैं येल्लो नाम की क्लास बनाऊँगा, बैकग्राउंड कलर उसका येल्लो कर दूंगा, ठीक है, कलर वाइट, ठीक है। उसके बाद एक मैं रेड कलर की क्लास बनाऊँगा, वाओ प्यारी समझ गई, ठीक है। दो क्लासेस मैंने बना ली, एक रेड और एक येल्लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा आप लोग देखना, यहाँ पर अगर मैं अपनी इस रैपल को खोलूँ और आप लोग को दिखाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डाल दूँ, फर्स्ट के साथ साथ एक क्लास डाल दूँ यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक क्लास है और इस क्लास का नाम रेड है, तब क्या होगा, क्या इसका कलर रेड हो जाएगा, सॉरी बैकग्राउंड रेड और कलर वाइट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, देखो ये रेड है। लेकिन अगर इसी को मैं येल्लो कर दूँ तब क्या होगा, यहाँ पर देखो हमारी क्लासेस काम कर रही हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, एक टेक्स्ट ब्लैक के नाम से भी, टेक्स्ट डार्क के नाम से भी क्लास बनाता हूँ, कलर ब्लैक करूँगा उसमें बस, ठीक है। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि इसके कलर को भी मैं डार्क कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डार्क कर दूँगा और आप लोग यहाँ पर देखो इसका कलर जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा, बढ़िया, एज सिंपल एज दैट। अब आप देखना यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखूँगा और मैं कहूंगा फर्स्ट डॉट क्लास इज इक्वल टू, और मैं यहां पर लिख दूंगा एक तो येलो कर दो, ठीक है, और टेक्स्ट ब्लैक कर दो। ये एक काम करते हैं यार, टेक्स्ट ब्लैक और रेड कर देते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूट जैसे ही होगी, ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। तो मैंने यहां पर फर्स्ट डॉट क्लास इज इक्वल टू ये किया तो ये काम नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, देखता हूं ऐसा क्यों हुआ। तो अगर मैं इसको रिलोड करूं और इंस्पेक्ट करूं और मैं फर्स्ट और क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लैक और रेड करूं, तो यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मैंने फर्स्ट लिखा तो ये आ गया। ओके, तो मुझे क्लास नेम लिखना पड़ेगा, सॉरी नॉट क्लास, ठीक है। तो मैं क्लास नेम करूंगा, तो यहाँ पर इस तरह से मैं डायनामिकली क्लास चेंज कर सकता हूँ। क्लास और आईडी के बारे में एक बात दोबारा बता दूँ, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ बट फिर से बताऊँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी सिर्फ एक होती है, ठीक है, एक वर्ड आप लिख सकते हो आईडी और वो उसका यूनिक आइडेंटिफायर हो जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर आपकी आईडी है, ठीक है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपकी आईडी है, पूरे देश में किसी और का सेम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं होगा, आधार कार्ड नंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्लू टी शर्ट है तो वो आपकी क्लास है, कि ब्लू टी शर्ट वाला, ठीक है, वो एक क्लास है। मैं ब्लू टी शर्ट वाला हूँ, कोई और भी हो सकता है ब्लू टी शर्ट वाला, मैं ब्लू टी शर्ट वाला हूँ, मैं लाल पेंट वाला भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे दो क्लासेस आ गई यहाँ पर, मान लो एक रेड आ गई, रेड पैंट आ गई एक क्लास, अब मुझे एक और क्लास लिखनी है, मान लो ब्लू टी शर्ट, तो ये क्लास हो गई, ठीक है। अलग अलग क्लासेस मैं अपने आप को मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैं अपने आप को एक नीला चश्मा क्लास दे सकता हूँ, मैं काले बाल क्लास दे सकता हूँ और बहुत चीज़ें दे सकता हूँ मैं अपने आप को क्लास, ठीक है। तो अलग अलग क्लासेस देने के लिए हम स्पेस सेपरेटेड लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट के अंदर ये सारी क्लासेस हैं, टेक्स्ट ब्लैक एक क्लास है, रेड एक और क्लास है और भी बहुत सारी क्लासेस डिफाइन होकर इसमें हम डाल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, ये क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि क्लास नेम हमने डायरेक्टली तो ऐसे सेट कर दिया। अब मान लो मैं स्पेसिफिकली इसमें से रेड क्लास हटाना चाहता हूँ, सिर्फ स्पेसिफिकली रेड, तो उसके लिए मेरे पास क्लास लिस्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और रेड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये दिखाता हूँ कि फर्स्ट डॉट क्लास लिस्ट क्या होता है। जैसे मैं क्लास लिस्ट लिखूंगा तो एक मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, इसमें सारी की सारी क्लासेस हैं, ठीक है, जो जो इसमें है, एक टेक्स्ट ब्लैक और एक रेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर सकता हूँ रेड को, कुछ इस तरह का फंक्शन चला के, और रेड रिमूव हो जाएगा। और मैं क्लास लिस्ट डॉट अपेंड कर दूंगा, अगर सॉरी इट्स नॉट अपेंड, क्लास लिस्ट को ऐड करने का फंक्शन ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड क्लास ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या आपको ये सब रटने की ज़रूरत है, नहीं यार, करते करते ना दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि मैंने गलती से अपेंड लिख दिया, मैंने फिर एकदम से ध्यान किया कि हाँ यार अपेंड नहीं ऐड था, तो मैंने ऐड किया उसको, फिर वो चल पड़ा, ठीक है। आपके पास ये नोट्स होंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे हटाना लगाना मेरा बना रहता है, ठीक है, तो मैं टॉगल मेथड का यूज़ करूँगा। टॉगल मेथड क्या करेगा, है तो लगा देगा, लगी है तो हटा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, नहीं लगी है तो लगा देगा, लगी है तो हटा देगा, टॉगल का ये मतलब है, ठीक है। तो यार आ जाओ नोट्स में, देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। इफ़ यू असाइन समथिंग टू एलएम डॉट क्लास नेम, इट रिप्लेसेस द होल स्ट्रिंग ऑफ क्लासेस। आप डायरेक्टली लिटरली जो क्लासेस इक्वल टू के अंदर लिखते हो वो चीज़ लिख दो यहाँ पर आके, और रिप्लेस कर देगा वो। ये तो सिंपल सी बात मैंने बोल दी। ऑफन वी वॉन्ट टू ऐड रिमूव अ टॉगल अ सिंगल क्लास, या तो आप किसी क्लास को ऐड करना चाहोगे, या किसी एक क्लास को रिमूव करना चाहोगे एलिमेंट में से, या फिर टॉगल करना चाहोगे, यानी कि लगी है तो हटा दो, हटी है तो लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये देखना चाहते हो कि अगर एलिमेंट ऑलरेडी येलो है तो आप उसमें एक और बार येलो थोड़ा ना ऐड करोगे, तो आप अगर येलो है तो उसको हटा दो, और अगर येलो नहीं है तो उसको येलो कर दो। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ उस चीज़ का। मान लो कि एक अलर्ट है, ठीक है, मान लो एक अलर्ट है, और मैं उसको तभी दिखाना चाहता हूँ कि जब यूज़र लॉग्ड इन ना हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हिडन क्लास उसमें लगा सकता हूँ, और क्लास को टॉगल कर सकता हूँ बेस्ड ऑन वेदर वो लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। तो लगी है तो हटा दो, हटी है तो लगा दो, ठीक है, कुछ इस तरह का काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि क्लियर है सबको, ठीक है। तो एल एम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, या फिर एल एम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ऐड स्लैश रिमूव चला के मुझे मत बोलना कि चल नहीं रहा है, ठीक है। ऐड स्लैश रिमूव का मतलब यहाँ पर यह है कि एल एम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक फंक्शन है, एल एम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक और फंक्शन है दूसरा, ठीक है। ये ऐड करेगा, ऐड लिखोगे तो रिमूव करेगा, तो रिमूव लिखोगे तो रिमूव कर देगा क्लास को, ठीक है, जो भी क्लास के अंदर लिखोगे। टॉगल भी हमने देख लिया, एड्स अ क्लास इफ इट डजंट एग्जिस्ट अदरवाइज रिमूव्स इट, ठीक है। अगर उस एलिमेंट में एग्जिस्ट करती है क्लास तो हटा देगा, नहीं करती है तो लगा देगा। अब एक कंटेंस होता है कि क्या ये क्लास है। मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रेड क्लास है फर्स्ट में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स रेड, ट्रू, हाँ भाई है, ठीक है। अब यार मैं एक चीज़ और करता हूँ अभी के अभी यहाँ पर, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, और ये जितने भी आउटपुट्स हैं इनको हटा देता हूँ, ताकि यार, अरे यार ये तो बहुत बार आ गया टॉगल वाला, मैंने एक्चुअली बहुत बार रन किया था, पट 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 करके रन किया था मैंने, तो इसको मैं हटाऊंगा सारे, जितनी बार भी मैंने टॉगल लगा रखा है, ठीक है, ये मैं हटा दूंगा, ऐड वाला ले लूँगा ये, हाँ अब ठीक है। फर्स्ट डॉट लास्ट इज डॉट अपेंड हो गया, डॉट ऐड हो गया, डॉट रिमूव हो गया, और ये क्या है, इसको भी हटाओ, हाँ अब ठीक है। तो हमने डॉट ऐड देखा, मैं इसको ऑर्डर में भी कर देता हूँ, डॉट रिमूव देखा, डॉट अपेंड देखा, ठीक है, और अपेंड नहीं था, डॉट ऐड, डॉट रिमूव, कंटेन्स देखा, और टॉगल भी देखा। टॉगल कहाँ गया भाई, टॉगल भी देखा हमने, ठीक है, जस्ट टू इंश्योर यार कुछ गलत मैं ना लिख दूँ गलती से, सब कुछ रन कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी लाइन एरर यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर रही है, विच इज़ गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है क्लास के मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट डॉट क्लास नेम लिखना पड़ेगा आपको, मैं दोबारा बता दूँ आपको, डॉट क्लास लिखने से कुछ नहीं होगा, क्लास नेम लिखना होगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आई होप कि मज़ा आया, आप लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप अपनी वेबसाइट्स बना रहे हो और आपको लॉजिक लिखना है, ठीक है, आपको वेनिला जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखना है कि यार अगर ऐसा तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, ठीक है, तो बहुत काम आने वाली है ये चीज़, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है किसी ने भी, तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time।